सो वेलकम गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमेंट थी कि भैया हमारे रिचार्ज कर लिया और पेमेंट नहीं आया, ठीक है, अपने वॉलेट में। तो उसके बाद में एक और कमेंट थी कि भाई हमने हमने विड्रॉल कर लिया और सक्सेसफुल भी हो गया और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आए। तो उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आज कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने विड्रॉल किया था उसके बारे में बता देता हूँ कि मैंने विड्रॉल किया उसके बाद में कितनी देर बाद मेरे को पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल ही ओपन कर लेता हूँ मेरा जियो मॉल अकाउंट, उसके बाद में क्लोज, उसके बाद में मैं सबसे पहले आपको विड्रॉल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे विड्रॉल, और तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा ये वाला विड्रॉल, ठीक है, सॉरी दोस्तों ये वाला नहीं है, यहाँ पे 2189 रुपये का और ये 1304 रुपये का, ये दोनों पेमेंट मेरे को कब मिले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट देख सकते हैं, 4 तारीख पहला महीना और 2022, ठीक है, 4 जनवरी 2022 12:10 पर मैंने यहाँ पर विड्रॉल लगाया था। तो यहाँ पर तुरंत सक्सेसफुल हो गया था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे को पेमेंट कब मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैसेज में जाता हूँ और मैं मैसेज ओपन करता हूँ और यहाँ पे बैंक ऑफ, तो वो पेमेंट था हमारा 2100, ये दोनों पेमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला, ये दोनों पेमेंट मेरे को कब मिले मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 12:33 PM ये दोस्तों रात को मिले हैं मेरे को पैसे, ठीक है। दिन में मैंने विड्रॉल लगाया था 12 बजे और ये रात में 12:33 पे मेरे को पेमेंट मिला है। तो इतना लेट सेट चलता है और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका पेमेंट मिल जाता है। और हम बात कर लेते हैं रिचार्ज की, और रिचार्ज करने के बाद में आपका जो पेमेंट है वो आपके वॉलेट में नहीं आता है। तो यहाँ पे मैं आपको तीन कॉन्टेक्ट दूंगा, वहाँ पे जाके आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। और आपको पेमेंट वापस चाहिए अपने अकाउंट में, तो अपने जो मॉल के अकाउंट में, तो आपको इसको पैसे पे नहीं करना है और ना ही अपनी आईडी और पासवर्ड किसी को देना है, ठीक है, ये रूल है इनका। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ये वाला एस प्रीटी के नाम से है, और आपको अगर और भी चाहिए तो इस ग्रुप के अंदर आपको और भी कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। नीचे चलते रहना है, ये यहाँ पे देख सकते हो, मैं इनकी लिंक भी वीडियो के नीचे डाल दूँगा, आप डायरेक्टली वहाँ जाके इनसे क्लिक करके आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक तो ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, ये तीनों है। तो यहाँ पे एजेंट कांटेक्ट नंबर ये है और कस्टमर सर्विस ये है और मैनेजर कांटेक्ट ये है। तो यहाँ पे एस प्रीति मैनेजर है, ठीक, और कस्टमर सर्विस विनिशा है और एजेंट कांटेक्ट है राजपूत, ठीक है, ये तीनों है। यहाँ पे मैं इसकी लिंक वीडियो के नीचे डाल दूँगा, इनसे आप अपनी हेल्प करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्प कैसे करवानी है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मेरा भी पेमेंट अटक गया था, तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले अपना जो आईडी का स्क्रीनशॉट है वो देना है। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे इनको मैंने मैसेज किया था, यहाँ पे देख सकते हैं विड्रॉल सक्सेस बट नॉट माई अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2189 जो हमने आपको भी दिखाया है वही पेमेंट है ये, तो ये वाला नहीं आया मेरे अकाउंट में। विड्रॉल सक्सेस बट फिर से मैंने मैसेज किया और फिर से मैसेज किया, तो इन्होंने यहीं इधर से रिप्लाई किया कि टीचर चार्ज 263 रुपये पावर बाय, इस पर आपको पे करना है। तो मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा कि नहीं भाई मेरे को पैसे नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद मैंने फिर से सर्च किया और यहाँ पर देख सकते हैं 2 आईडी आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो है, यहाँ पर देख सकते हैं वो 2699 और ये वाला पेमेंट, ये देख सकते हैं वहाँ पे 2189 वाला पेमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने
मैंने फिर से इनको स्क्रीनशॉट लेके दिया और फिर से यहाँ पे मैंने बोला माय पेमेंट सक्सेसफुल बट नॉट माय अकाउंट बैंक अकाउंट रिसीव, माय पेमेंट नॉट रिसीव, प्लीज़ चेक द प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि 7 से 15 दिन लगेंगे इस पेमेंट को आने में। ठीक है, तो मैंने इन्होंने ना तो अपना जो टीचर चार्ज है वो लिया और कुछ भी नहीं किया और तुरंत मेरे को 2 से 2.5 घंटे में मेरा पेमेंट रिसीव हो गया था मेरे अकाउंट में। ठीक है, तो अपना जो आईडी पासवर्ड है इनको नहीं देना और ये पैसे मांगते हैं तो वो एक फ्रॉड है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये वाली सही है और ये फ्रॉड है। ठीक है, ये आपको पैसे मांगेगी और ये आईडी आपको आपके पास से पैसे नहीं मांगेगी। उसके बाद मैं आपको 2 और कॉन्टैक्ट दे दूँगा वीडियो के नीचे, वहाँ पर जाके आप अपनी हेल्प इनसे कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे ही उस कॉन्टैक्ट पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट मैनेजर पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है और अपने जो भी समस्या है वो यहाँ पे टाइप कर देना है और आपको सेंड कर देना है। ये आपसे बात करेगा, ठीक है, जो भी है आईडी वाला बात करेगा। उसके बाद में ये भी बात नहीं करता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और है कस्टमर सर्विस, तो विनिशा नाम से है, ओपन में क्लिक करते ही ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैसेज पे क्लिक करना, आप देख सकते हैं विनिशा, ठीक है, ये आईडी आ जाएगी। इसको बोलना है अगर ये भी पैसे मांगे तो इसको भी छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं एस प्रीति, इनसे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत बार बात की है, यहाँ पे नीचे मेरा स्क्रीनशॉट शो हो चुका है और यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा ये देखो ये ओरिजिनल वाली है, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट अपना ऑप्शन ओपन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप अपना पेमेंट ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक